नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। आज राजसमंद की एक बड़ी दुखद घटना की खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। जी हां, राजसमंद जिला मुख्यालय के पास बोरज ग्राम पंचायत की सरपंच डिंपल कुमार के पति और मार्बल व्यवसायी मदन सिंह की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। जी हाँ, उनका शव राजनगर थाना क्षेत्र के पिपरड़ा के पास खारी फीडर नहर में उनका शव पड़ा मिला। उसके पास ही उनकी कार मिली, जिसमें लाखों रुपए की नकदी मोबाइल भी उस कार में सलामत थे। प्रथम दृष्टया मौत को लेकर कोई खास कारण सामने नहीं आई है। शव खारी फीडर में पिपरड़ा के पास पड़ा मिला, जिसे पुलिस ने बरामद करते हुए आर के जिला चिकित्सालय पहुँचा दिया है। फिलहाल मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, मगर प्रथम दृष्टया पैर फिसलने से गिरकर मौत होना बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार मार्बल उद्यमी देवी सिंह उठड़ के पुत्र मदन सिंह बुधवार शाम को सियाणा से रवाना हुए थे, जो मूलतः बोरज गांव के निवासी हैं और वर्तमान में राजसमंद शहर के 100 फीट रोड पर अम्बेडकर सर्कल के पास उनका पूरा परिवार रहता है। देर रात तक मदन सिंह के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने कई बार मदन सिंह के मोबाइल पर कॉल भी किया, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया। परिजनों ने सोचा कि किसी दोस्तों के साथ चला गया होगा। गुरुवार सुबह तक घर नहीं लौटने पर पिपरड़ा के पास खारी फीडर किनारे मदन सिंह की कार संदिग्ध अवस्था में मिली। बाद में राजनगर थाना प्रभारी हनुमंत सिंह मय जाप्ते के घटनास्थल पर पहुंच गए। बाद में जल संसाधन विभाग के माध्यम से खारी फीडर जो राजसमंद झील को भर रही है, उसके पानी को नंद समंद से बंद करवाया गया और खारी फीडर में तलाश शुरू की गई। इस तरह करीब अपराह्न 3 बजे उनका शव पिपरड़ा में नर्सरी से आगे करीब आधे किलोमीटर दूर शव पड़ा मिला, जो झाड़ियों में उलझा हुआ था। फिर शव को पुलिस द्वारा क्षेत्रीय लोगों की मदद से बाहर निकलवाया नहर से और उसके बाद आर के जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया गया। साथ ही परिजनों के आने के साथ ही पुलिस द्वारा मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मदन सिंह स्वभाव से बहुत ही शांत थे, जिनकी प्रथम दृष्टया किसी से कोई द्वेषता या लड़ाई झगड़ा भी होना सामने नहीं आया है। दुखद घटना को लेकर हर कोई हैरान है कि आखिर मदन सिंह की मौत कैसे हो गई। मार्बल उद्यमी देवी सिंह के पुत्र व बोरज सरपंच डिंपल कुंवर के पति मदन सिंह की संदिग्ध मौत के बाद कई लोग आर के जिला चिकित्सालय के बाहर एकत्रित हो गए। नगर परिषद राजसमंद के सभापति अशोक टांग, भाजपा नेता महेंद्र सिंह खारंडिया सहित बड़ी तादाद में मार्बल कारोबारी और परिजनों व ग्रामवासी भी अस्पताल पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी, उन्हें धैर्य भी बंधाया। मदन सिंह मूलतः बोरज के निवासी हैं, जबकि अभी उनका पूरा परिवार राजसमंद शहर के अम्बेडकर सर्कल के पास कॉलोनी में रहता है। बुधवार शाम से ही मदन सिंह घर नहीं लौटने पर परिजनों द्वारा तलाश शुरू कर दी गई थी और गुरुवार अपराह्न को उनका शव खारी फीडर नहर में पड़ा मिला। फिलहाल पुलिस द्वारा सभी पहलुओं पर गहन जांच की जा रही है कि आखिर मदन सिंह की मौत किस वजह से हुई है। अपडेट खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जयवर्धन न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।